जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है। पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया, कोई कटौती नहीं की गई। लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है, सरकार के एक साल के कार्यों से विचलित है। प्रतिपक्ष के नेता जी, ये आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाए करें। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है, झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती और इसमें पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%। मैंने अखबार में भी पढ़ा, पता नहीं किस अखबार में था, 30%, 20%। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, मेरे हर शब्दावली में ये शब्द जुड़े हुए हैं, उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया। तकरीबन 4,500 लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं, और ये ओपीएस लागू होने के बाद किया गया है। कोई पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई। लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है और इस प्रकार की बयानबाजी करनी है और लोगों का ध्यान करना है, सरकार के एक साल के कार्यों से विचलित है, सरकार के कार्यों से विचलित है, इस प्रकार की बात करके इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस शब्द को एक्सपंज किया जाए। आंकलों और अफवाहों के अभाव पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये रहेगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, कि आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाए करें। ये तथ्यों आप जो बोले लोन के मामले में कुछ कागज तथ्य रखेंगे, जनता को भी सुविधा होगी, विपक्ष को भी सुविधा होगी, सत्ता पक्ष को भी सुविधा होगी। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए। और कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होता और आप ठगने के लिए अलावा और कोई काम आपके पास नहीं है।